नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। जमीन माफियाओं के साथ साठगांठ के आरोप में सस्पेंड हुए कांके के पूर्व सीओ अनिल कुमार पर अब विभागीय कार्यवाही शुरू होगी। आरोप यह है कि सीओ पद पर रहते हुए अंचल के नगड़ी मौजा की नदी की जमीन, जो नदी के रूप में दर्ज है, उसे भू माफियाओं द्वारा जब मिट्टी भरवा कर समतलीकरण कर रहे थे तो उन्होंने नजरअंदाज किया। इससे अतिक्रमण में संलिप्त पाई गई। साथ ही अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं डालने और दायित्व के प्रति लापरवाही भी बरती गई। इन आरोपों के बाद सरकार ने निलंबित करते हुए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय में योगदान देने कहा गया था। राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध प्रपत्र में गठित आरोपों की जांच के लिए झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही करेगी। सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। सेवानिवृत्त आईएएस अरविंद कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अपर समाहर्ता रांची राजेश बरवार को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।